सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर सेशन, वी विल सी अबाउट द टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के बारे में भी हम देखेंगे। सो बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। एट द सेम टाइम, अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल्स पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एट द सेम टाइम, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लिंक को शेयर कीजिएगा। और हम कहते हैं ना, एक घर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो एक्सपेंसिव फर्नीचर्स और टाइल्स से ही वो घर होम स्वीट होम बनते नहीं। एक घर होम स्वीट होम तभी कहलाते हैं जब उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताए। एट द सेम टाइम, हमारे जो वर्ल्ड पॉलिटिशियन है, वह हमारे जो वर्ल्ड लीडर है, इन लोगों का भी मानना ये है कि एक पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी हम उसको एक प्रोस्पीरियस कंट्री बोल सकते हैं जब उसमें रहने वाले हर एक नागरिक हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताए। विच इज वाई दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेजर हाउ द कंट्री इज ग्रोइंग, वेदर द कंट्री इज ग्रोइंग इन एन होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल मैनर और नॉट। बिफोर मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट को देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन इसको सबसे पहले कॉइन की गई थी। सो एज यू ऑलरेडी नो, ये जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, इस टर्म को सबसे पहले कॉइन की गई थी फोर्थ किंग ऑफ भूटान किंग जिग्मे चिंगी वांगसुक द्वारा इन 1972। यानी कि उसका मानना यह है कि एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री की जीडीपी से ही बनता नहीं है। जब तक दैट पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले हर एक नागरिक की जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के डेवलप ग्रोथ नहीं होंगे, तब तक हम इसको नहीं बोल पाएंगे कि उस कंट्री की एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुए है। एट द सेम टाइम, कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, किंग ऑफ भूटान दैट इज जिग्मे चिंगी वांगचुक ने यह बोला गया था कि एक कंट्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएंगे जब हम उसमें उस कंट्री के किसी भी एक देश के नॉन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट सच एज साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिसिलियंस, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटेलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिसिलियंस और लिविंग स्टैंडर्ड को भी ध्यान पे रखना चाहिए। जब तक ये सारे के सारे जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट है उसमें जब तक हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होंगे नहीं, तब तक उस कंट्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ हो रहा है हम नहीं बोल पाएंगे। इवन दो दिस पर्टिकुलर टर्म वॉज कॉइंड इन 1972, बट इसकी जो सालाना हर साल एनुअल रिपोर्ट इच एंड एवरी ईयर पब्लिश 2012 से ही शुरू की गई थी। ओनली आफ्टर दिस 2012 ओनली द रिपोर्ट वॉज स्टार्टेड पब्लिशिंग बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क द्वारा हर साल On the eve of International Day of Happiness on March 20 को ये particular report publish की जाती है। इस साल भी in the same way SDSN द्वारा 150 country में ये particular survey की गई थी, जिनमें से इन लोग के पास report मौजूद है 136 country की, based on some parameters जैसे कि social support, income, health, freedom, generosity and absence of corruption. These were the six parameters based on which SDSN has made the survey and published the report of 2023. इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सबसे हैप्पीएस्ट, टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमारे पास है फिनलैंड, विच पॉइंट इज 7.804, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें से पॉइंट दी जाती है आउट ऑफ 10। उस आउट ऑफ 10 में से फिनलैंड सबसे टॉप में है विद ए पॉइंट ऑफ 7.804 एंड फॉलोड बाय डेनमार्क विद 7.586, Iceland with a point of 7.530, Ireland with a point of 7.473, Netherlands with a point of 7403, and Sweden with a point of 7.395, Norway with a point of 7.315, Switzerland with a point of 7.240, Luxembourg with a point of 7.228, New Zealand with a point of 7.128. अगर जहां तक इंडिया की बात है, इसका जो पॉइंट है वो काफ़ी बुरी, बहुत ही खराब पॉइंट मिला है। इवन ही कुड नॉट रिच अप द एवरेज ऑल्सो, मिड पॉइंट तक भी वो पहुंच नहीं पाया, एंड विथ ओनली ए पॉइंट ऑफ 4.640 इंडिया इज रैंक 125 कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम इसको तो हैप्पी नहीं बोल सकते क्योंकि 136 में से इंडिया इज इन द 125 लिस्ट पे है। सो काफ़ी बुरी हालत है इंडिया की। अगर हम लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री के बारे में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान सबसे इस पर्टिकुलर लिस्ट के नीचे है, उसके विच इज बिन फॉलोड बाई जिम्बावे, रावंडा, बोत्सवाना, लोसोटो, मालवी, हाइटी, तंजेनिया, यमीन एंड ब्रुंडी।
सो एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हमारे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जो पब्लिश करते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता दें. इसका स्थापना 2012 को की गई थी अंडर यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा. इसका मेन अप्रोच है कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रू एजुकेशन रिसर्च पॉलिसी एनालिसिस एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशंस द्वारा. एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया के साथ साथ हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ अगर हमारे इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट इसको अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा आगे ऊपर लिस्ट पे है. देयर इज विद अ रैंक ऑफ 108 पाकिस्तान इज फार अहेड ऑफ अस. एट द सेम टाइम श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो भी हमसे बहुत ही आगे है विद अ रैंकिंग ऑफ 112. अगर नेपाल की बात देखे जाए, इफ आई से अबाउट द रैंकिंग ऑफ नेपाल, नेपाल हमसे भी बहुत ऊपर है. देयर इज ऑन द विद अ रैंक ऑफ 78 नेपाल इज फार मोर बेटर देन अस इट सीम्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट शोस दैट. एट द सेम टाइम अगर हम बांग्लादेश को भी देखें, बांग्लादेश इज ऑल्सो आवर नेबरिंग कंट्री, जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्री, इवन द बांग्लादेश का जो रिपोर्ट है वो भी हमसे बहुत ही ऊपर है. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू फिनलैंड हैज टॉप दिस पर्टिकुलर लिस्ट और अफगानिस्तान हमारे पास जो है कि सबसे दुखी वाला कंट्री. इस पर्टिकुलर लिस्ट में सबसे निचली स्थल पे लास्ट पे कौन है? अफगानिस्तान है, जिसका रैंक है 137. सो देयरफॉर अगर हम टॉप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इफ वी सी जो टॉप 10 कंट्रीज के बारे में अगर हम देखें, सारे के सारे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दिस कंट्री वेर यूरोपियन कंट्रीज ओनली. सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. एट द सेम टाइम जाते जाते हम आपको बता दें कि जितना हो सके खुशियाँ बांटिए, खुशी से रहिए. एट द सेम टाइम इस दुनिया को जितना हो सके होलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग अपनाइए और at last to say with that ki be happy, make happy and at the same time let us stay happily. agar is particular information ko aapko pasand aaya to ek like, comment aur zarur subscribe karna na bhuliyega and at the same time don't forget to click on the bell icon. aur agle video mein agle sessions mein fir se ek naye topic ke sath aap sab ko fir se milenge isi platform mein. till then tata bye bye and thank you very much for being with me. that's all for today. thank you.